हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ का क्या मीनिंग है, आप सभी के लिए ASIC के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ हम सभी ने लॉन्च कर दी है। ठीक है, उसका जो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो एक बार भी आप यहाँ पे ज़रूर उसे जो है कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ कहाँ मिलेगी, हमारी ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, फिर नीचे दिए गए लिंक से आप जो है हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज जो है एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ ही आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहने वाला है ASIC के ऊपर। ठीक है, ASIC IGPGI दोनों के लिए क्लासेज जो है इंपॉर्टेंट है, जो दोनों की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस नॉट सेट। नॉट सेट के अंदर आप सभी को पता है ये सभी चीज़ें पूछी जाएगी जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नॉट सेट तो कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पे पहले से डिफाइन कर चुका है, ASIC का भी सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज हो रही है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे टच किया जा रहा है क्लास के अंदर। विथ MCQs में आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, जो रिसेंट कुछ MCQs कुछ एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमें, मैं आपको वो आपको यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट MCQ है अपना, ए लेडी प्रेजेंटेड विथ कंप्लेंट्स ऑफ फॉल स्मेलिंग ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज। एक लेडी है, वो प्रेजेंट है आपके सामने, क्या कंप्लेंट कर रही है, वो फॉल स्मेल आ रहा है एक तो, दूसरा ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, एंड ए विफ टेस्ट डन ऑन द डिस्चार्ज। अब जब इन डिस्चार्ज के ऊपर एक टेस्ट किया गया, टेस्ट का क्या नाम था, विफ टेस्ट, डिस्चार्ज वाज पॉजिटिव। ठीक है, ऑन द डिस्चार्ज किया गया, जिस डिस्चार्ज पे विफ टेस्ट किया था, विफ टेस्ट कैसा मिला आपको, पॉजिटिव मिला। ऑन एग्जामिनेशन क्लू सेल्स वर सीन ऑन वन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब हमने आगे फर्दर एग्जामिनेशन किए, हमने क्या देखा, क्लू सेल्स भी वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। वॉट इज़ द कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या है, एंड वॉट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट, अब इस ड्रग ऑफ चॉइस भी यहाँ पे क्या रहेगी, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन। तो देखो कंडीशन क्या है, आपको ये ऐसे MCQs एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो फॉल स्मेलिंग हो रहा है, ग्रेइश वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, नंबर वन कंप्लेंट यहाँ पे ये है। इसके बाद में विफ टेस्ट हमने किया, सेकंड विफ टेस्ट हमने किया जो क्या आया आपको, पॉजिटिव आया। एग्जामिनेशन किया, क्या मिला आपको, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या मिला आपको, क्लू सेल्स मिली वहाँ पे। इसके साथ में अब ये कंडीशन क्या है, क्वेश्चन पूछा आपसे कि वॉट इज़ द कंडीशन एंड वॉट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। तो ये क्या कंडीशन, कैंडिडा की है जिसके लिए हम फ्लुकोनाजोल देंगे, ट्राइकोमोनास है जिसके लिए हम मेट्रोनिडाजोल देंगे, गार्डनरेला वेजाइनलिस है जिसको लिए हम यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल देंगे ड्रग, या फिर गोनोकोकई है जिसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे ट्रीटमेंट काम में लिया जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, कंडीशन पूछिए आपसे, दूसरा आपसे पूछा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये कंडीशन क्या है, इट इज़ क्लिनिकल केस ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ठीक है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की क्या है, कंडीशन है। फर्स्ट MCQ आपके पास मिल गया, तो उसके साइंस सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, अभी हम समझेंगे इसके बारे में। देखिए अब इसका सबसे पहले आपको पूछा है कि क्या इसका कॉजेटिव एजेंट होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का पॉजिटिव एजेंट, या फिर मैं कहूँ रेस्पॉन्सिबल जो है ऑर्गेनिज्म, वो कौन होता है, गार्डनरेला वेजाइनलिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया आपको, गार्डनरेला वेजाइनलिस दिया गया। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल इसके ट्रीटमेंट में काम में आएगी। अब अगर ऑप्शन में आपको गार्डनरेला वेजाइनलिस नहीं मिलता तो क्या मिलता, इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसे अपन बोलते हैं हीमोफीलिया वेजाइनलिस। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस को कॉज करते हैं। अब इसके यहाँ पे साइंस सिम्टम की हम यहाँ पे बात करें, तो पेशेंट में क्या क्या साइंस सिम्टम्स शो होंगे, तो देखिए फॉल स्मेलिंग नंबर वन यहाँ पे क्या है, फॉल स्मेलिंग आएगी ऐसे क्लाइंट्स में। तो फॉल स्मेलिंग कैसे आएगी, फिशी ऑर्डर,
ठीक है, फिशी ऑर्डर देखने को मिलेगी, ग्रेस व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रायोरिटी अगर आपको ऑप्शन में ग्रेस भी मिले व्हाइटिश भी मिले तो फिर किसके ऊपर जाओगे आप, व्हाइटिश डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है। ग्रेस व्हाइटिश आपको यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या प्रायोरिटीज होगा, यहाँ पे इचिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे क्लाइंट को नो इचिंग, इचिंग यहाँ पे क्लाइंट को नहीं होती है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस वाली कंडीशन में, तो ये स्पेशली ध्यान में रखना, थोड़ा अदर जो वेजाइनोसिस है उनके अपोजिट है ये। नेक्स्ट देखिए इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, साइन सिम्टम की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या यहाँ पे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो यहाँ पे क्या रहेगा, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अभी वेट माउंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साथ में हम यहाँ पे यूज में क्या लेते हैं, सेलाइन से हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। फ्लूड क्या यूज में लेंगे, सेलाइन। अब इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा आपको क्लू सेल्स जो प्रेजेंट होती है, क्लू सेल्स के पास में क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे दो और टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट हो गया आपका विफ टेस्ट जो क्वेश्चन में ही दे रखा है, एंड सेकंड टेस्ट इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइन टेस्ट। तो अब ये करते कैसे हैं कि जो हमारे पास में वेजाइनल डिस्चार्ज आया उस डिस्चार्ज में हम क्या करेंगे, 10% केओ यहाँ पे मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद में हमें कैसी स्मेल मिलेगी, ठीक है, फिशी ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव। यही आपसे कहा गया कि विफ टेस्ट इज डन ऑन द डिस्चार्ज एंड इट वाज पॉजिटिव, तो यही हमसे यूज है। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करोगे, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल ऑप्शन में ना हुआ तो क्या होगा आप यहाँ पे क्लिंडामाइसिन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे एमसीक्यूज को सोल्व करना है एग्जाम में भी, ठीक है। इसके बाहर ये एमसीक्यू का कोई भी आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, इसके बाहर जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया इसके बाहर मोस्टली नहीं जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, ए 35-year प्रीमीग्रेविडा है, कंसीव्ड आफ्टर IVF साइकिल, अटेंड्स ANC चेकअप विथ 38 weeks POG। POG क्या है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। अब क्या है देखो, एक 35-year प्रीमीग्रेविडा क्लाइंट है जिसने क्या किया है, कंसीव किया है IVF से, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या किया, कंसीव किया हुआ है, और वो अभी क्या कर रही है, एंटीनेटल चेकअप के लिए आई हुई है। वीक कितना है, 38 week है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन। हर ऑब्स्टेट्रिक डिटेल्स रिवील DCDA ट्विंस विथ फर्स्ट ट्विंस एज ए ब्रिज। अब यहाँ पे उसकी ऑब्स्टेट्रिक्स हमने कुछ डिटेल्स देखी, क्या रिवील हुआ उसमें कि जो ट्विंस है वो कैसे हैं, डाई एमनियोटिक है और डाई कोरियोनिक है, ठीक है, DC डाई कोरियोनिक, DA डाई एमनियोटिक, ठीक है। अब देखो ये जो डाई कोरियोनिक है, डाई एमनियोटिक है, कब इनका डिवीजन होता है, इनका डिवीजन डिपेंड करता है जायगोट के डिवीजन पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायगोट का डिवीजन 72 hours के अंदर हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4 to 8 days में हुआ, या फिर 8 to 12 days में हुआ, या फिर 12 days के बाद में उसका अगर जायगोट का डिवीजन होता है तो उसके ऊपर ये जो डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक है, मोनो एमनियोनिक मोनो कोरियोनिक, ठीक है, इस प्रकार से आगे आगे जैसे 4 types के होते हैं बेसिकली। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ जब जिसमें मैंने आपको मल्टीपल चॉइस आंसर कराए थे उस टॉपिक में। तो ये क्या है, डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो ट्विंस है इनका वो कैसा है, अभी ब्रीच डिलीवरी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन एग्जामिनेशन BP कितना है, मोर देन 140/90 mmHg ऑन 2 occasions विथ प्रोटीनूरिया +1 है, ठीक है। तो अब देखो प्रोटीनूरिया हो रहा है एक तो उसमें, प्लस उसमें क्या है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, मतलब BP यहाँ पे ज़्यादा है, 140/90 mmHg है। हाउ डू यू मैनेज, अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे, वॉच फॉर BP एंड टर्मिनेट व्हेन BP गेट्स एलिवेटेड। क्या करना है, BP को देखना है और जब उसके बाद में टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को, जब BP और ज़्यादा इससे एलिवेट हो तब। वॉच फॉर BP एंड इंड्यूस ऑन EDD, BP को मॉनिटर करते रहना है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे ही आपको क्या करना है, लेबर इंड्यूस करना है, इमीडिएट सी सेक्शन करवाना है या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, काफ़ी अच्छा MCQ है।
तो देखिए ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे शो हुई है क्वेश्चन के अंदर कि उसका ब्लड प्रेशर इतना है और उसका प्रोटीन यूरिया आपको प्लस वन यहाँ पे दिया गया है, तो ये कंडीशन क्या शो कर रही है? ये कंडीशन शो कर रही है प्री एक्लेम्सिया को। तो एक तो यहाँ पे क्या है, प्री एक्लेम्सिया है। प्लस आपको एक बात ये भी ध्यान देनी है कि यहाँ पे डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन क्या है अभी, या एंटीनेटल चेकअप कितने वीक पे है, 38 वीक पे, मतलब बच्चा अभी क्या हो गया है, फुल्ली टर्म है। दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें क्या है, फर्स्ट ट्विंस में कैसी पोजीशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करवाना होगा, क्या आंसर रहेगा, बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे किसी मदर के अंदर, तो उसमें हमें क्या करना होता है, इमीडिएटली सी सेक्शन करना होता है, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है, फर्स्ट बच्चा यहाँ पे ब्रीच पोजिशन में है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सेकेंड बच्चे के ऊपर भी थोड़ा कंप्रेशन लाएगा, ठीक है, तो उसमें भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, साथ में ब्लीडिंग एक्सेसिव करवा सकता है। इसके अलावा शोल्डर डिस्टोसिया वाली कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहता है, इमीडिएटली सी सेक्शन करवा दो। एक तो यहाँ पे प्रोटीनूरिया की कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स नहीं होगी, दूसरा बच्चा भी क्या हो चुका है, एकदम टर्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा रिस्क लेनी है हमें, ठीक है। साथ में क्या है, डाई एनोटिक है, डाई कोरोनिक ट्विंस है, ठीक है, तो इसलिए अपना बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा यहाँ पे, इमीडिएटली सी सेक्शन। तो देखिए इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, इंडिकेशंस फॉर सीजेरियन सेक्शन, तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है हमेशा ही, ठीक है, जो फर्स्ट ट्विंस होता है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा हो, नॉन वर्टेक्स, तो क्या करना है यहाँ पे, ब्रीच डिलीवरी है, ठीक है, वर्टेक्स में नहीं है, ब्रीच में है, तो मतलब आपको सीजेरियन सेक्शन वहाँ पे करवाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। सभी क्या है उसके इंडिकेशन से मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। सेकंड देखिए, सीवियर क्रॉनिक TTTS, मतलब क्या हो गया, ट्विन टू ट्विन यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का अगर यहाँ पे चांसेस होता है, तो उसके अंदर भी सीजेरियन सेक्शन यहाँ पे बेस्ट आंसर रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्यूट नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, क्रॉनिक। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन क्या होता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है, अगर ट्विंस कैसे हो, कॉन्जॉइंट्स हो, मतलब मोर देन 12 डेज आफ्टर यहाँ पे जब जायगोट डिवीजन होता है, तब क्या देखने मिलता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस जो है डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ वन, प्रायर सी सेक्शन, ठीक है, प्रीवियसली अगर कोई सीजेरियन सेक्शन किया हुआ है तो जनरली उसमें भी क्या करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये रिलेटिव है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है, ये रिलेटिव है, डिपेंड करता है उसके ऑब्स्टेटिकल डिटेल्स के ऊपर कि वो अगर मदर कैपेबल है वेजिटल डिलीवरी के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो आप सीजेरियन सेक्शन पर ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सी सेक्शन करवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट MCQ अपना, ए G2P2 पोस्टपार्टम प्रेजेंट्स विथ फ्यू वीक्स ऑफ स्पॉटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वजाइनम सिंस 3 मंथ्स। एक G2P2 पोस्टपार्टम क्लाइंट है, वो आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, फ्यू वीक्स ऑफ स्पॉटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वजाइनम, ठीक है, वहाँ पे क्या है उसके ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से सिंस 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ से, नाउ कम्स विथ हैवी ब्लीडिंग, अभी उसको क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, सी गिव्स हिस्ट्री ऑफ DNC इन सम अदर हॉस्पिटल, ठीक है, साथ में वो ये भी बता रही है कि उसको यहाँ पे DNC भी करवा रखा है कुछ अदर हॉस्पिटल से, ठीक है, बट स्टिल कंटिन्यूज टू ब्लीड, अभी भी उसको क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वॉट वुड बी द रीज़न, अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या रहने वाला है, नॉर्मल लोकल टाइम फ्लो है, DIC है, रिटेंड प्लेसेंटा है, या फिर गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लेजिया है। तो देखिए ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये किसकी कंडीशन है, पोस्टपार्टम हेमरेज की, ओके,
पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन है। अभी इस कंडीशन में भी क्या कौन सा पोस्टपार्टम है, क्या ये प्राइमरी पोस्टपार्टम है या फिर ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम है? अगर पता हो आपको तो प्राइमरी पोस्टपार्टम पीरियड कब होता है, जब विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच एंड इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एटोनिक यूट्रस। एंड सेकेंडरी पीपीएच का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच का टाइम ड्यूरेशन होता है आफ्टर 24 आवर्स टू 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम। ठीक है, तो ये 24 आवर्स से लेकर 12 वीक का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें अंदर अगर ब्लडिंग होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पीपीएच। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको आराम से पता लग गया होगा कि ये कौन से पीपीएच का टाइप है, तो सेकेंडरी पीपीएच का टाइप है। अब सेकेंडरी पीपीएच के टाइप का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, रिटेंड प्लेसेंटा। तो यहां पर भी अपना आंसर क्या रहेगा, रिटेंड प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है, आराम से हम अच्छे से समझ भी रहे हैं। क्लासेस अगर आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को जो अगर आप नए हो तो। ठीक है, कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर सच में आपको क्लास जो है अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आगे देखिए, अभी देखिए कुछ रिसेंट में कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे कुछ ड्रग्स से रिलेटेड जो पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर काम में ली जाती है। तो देखिए ड्रग्स की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हम ड्रग की हम बात करते हैं, तो पूछा रहता है कि ड्रग ऑफ चॉइस हम देखें या फिर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वन ड्रग की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे क्या दिया जाता है, इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। नेक्स्ट इसकी डोज कितनी देनी है आपको, तो डोज भी पता होनी चाहिए ये कितना होता है, या तो इसको आईएम देना है और इसको आईवी भी हम दे सकते हैं। डोज कितनी होगी इसकी, तो ये होगी 40 इंटरनेशनल यूनिट इसकी क्या रहती है, डोज रहती है पोस्टपार्टम हेमरेज वाले क्लाइंट में। देखिए इन सब के साथ में कॉमन एक हम ड्रग देंगे, क्या देंगे, ट्रैनएक्सामिक एसिड। ये क्या करवाता है, ब्लीडिंग को डिक्रीज करवाता है। तो ट्रैनएक्सामिक एसिड भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन दे रहे हैं फिर भी जो हम ट्रैनएक्सा यहाँ पे क्लाइंट को लगाते हैं। नेक्स्ट जब ऑक्सीटोसिन चल रहा होता है तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि इसको क्या नहीं करना है, नेवर गिव इट बोलस। ऑक्सीटोसिन को कभी हम बोलस नहीं देंगे, किसके साथ में देंगे, या तो अनस के साथ में देंगे या फिर आरएल के साथ में नहीं देंगे। ठीक है, या तो अनस का देंगे आरएल के साथ देंगे, बट किसके साथ नहीं देंगे, तो नॉट गिव विथ डेक्सट्रोज 5%। तो इसके डेक्सट्रोज के साथ हम इसको कभी नहीं देंगे। सेकेंड जो हम यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर जो ड्रग काम में लेंगे वो है मैथिल एर्गोमेट्रिन। तो ये ड्रग जो है कैसे देंगे इसको हम, 0.2 mg इसका क्या रखेंगे हम डोज रखेंगे, रूट क्या रहेगा इसका, इंट्रामस्कुलर। अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लीडिंग सबसाइड नहीं होती, तो इसको वापस से हमें क्या करनी है, रिपीट करनी है। मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हो इसके, आप 5 डोज दे सकते हो आप। ठीक है, और इसके डोज के जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, तो 20 to 40 मिनट्स के बाद में दूसरी डोज देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी डोज देंगे, यहाँ से 5 डोज हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, क्या एमसीक्यू बनेगा, नेवर गिव दिस टू आईवी। इसको जो है इंट्रावेस्कुलर कभी नहीं देंगे इसको हम, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या कोज कर सकता है, लीड हाइपरटेंशन। ये पूछा गया एमसीक्यू है, तो आप सभी इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि पूछा गया एमसीक्यू है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ड्रग होगी क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। अब ये जो ड्रग है इसका रूट क्या रहता है, सबलिंगुअल। डोज की क्या रहती है, 800 माइक्रोग्राम क्या रहती है इसकी, डोज रहती है। ठीक है, और इसको जो है WHO ने भी क्या किया है, रिकमेंड किया है। नेक्स्ट
जो फाइनल डोज है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये कितना हम यहाँ पे देंगे, तो 1 ग्राम इसको क्या देना है आपको, आईवी देना है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो हम यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट में दे सकते हैं। अगर ये क्या था सारा का सारा अपना मेडिकल मैनेजमेंट, अब ये मेडिकल मैनेजमेंट अगर यहाँ पे कंटिन्यू हमने किया और इससे ये क्या रिजल्ट मिला, फेल। फेल का मतलब क्या, स्टिल ब्लीडिंग। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया और अभी भी क्या है कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ मैकेनिकल मेथड्स को भी काम में लेना होगा। अब कौन कौन से मैकेनिकल मेथड काम में ले सकते हो, फर्स्ट वन बाई मैनुअल यूट्रस को क्या करना होगा, कंप्रेशन करना होगा। सेकंड क्या करना है, बैकरी बैलून कैथेटर का आप यूज में ले सकते हो। ये अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, एसजी सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब को काम में ले सकते हो, ठीक है। सेंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब को भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है। अब एमसीक्यू पूछते हैं कि बैकरी बैलून कैथेटर का क्या यूज में होता है, तो बैकरी बैलून कैथेटर के अंदर हम कितना एमएल यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन को हम यहाँ पे इसके अंदर भरेंगे, आंसर क्या रहेगा, 300 to 500 एमएल नॉर्मल सेलाइन को भरेंगे। फिर ये क्या करेगा, यूट्रस के अंदर जाएगा, फिर हम नॉर्मल सेलाइन को अंदर पुश करेंगे, तो ये क्या करेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा यूट्रस के अंदर, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग कैसी हो जाएगी, चांसेस है कि वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ये हो गए मेडिकल के साथ में, मैकेनिकल भी। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू पूछा रहता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बैकरी बैलून कैथेटर, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होता है बैकरी बैलून कैथेटर का, तो आंसर क्या रहेगा, 500 ml। तो 500 ml तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें नॉर्मल सलाइन फिल कर सकते हैं। अब अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया मगर फिर भी क्या हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो अभी हमें क्या करना होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन। देखिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जो है 100% तक टच होता है, 95 to 100% तक इसकी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि कॉमन कंडीशन है, होता है प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सी फीमेल्स के अंदर, इसलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पूछा रहता है। तो देखिए दो टाइप के यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, टोटल दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन अगर टाइप है, अगर पेशेंट जो है फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, उसको क्या लेके प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हिस्टेरेक्टोमी। सेकेंड वन क्या है, पेशेंट को चाहिए कि वो आगे और, सपोज उसका कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, फिर वो चाहे कि मुझे एक आगे और मेरा जो है बेबी कंसीव करना चाहती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रेगनेंट सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं तो हम सूचर लगाएंगे यहाँ पे, पूरे यूट्रस में क्या लगाएंगे, सूचर लगाएंगे। तो सूचर का टाइप जो है एग्जाम में पूछा रहता है, और क्या नाम होता है इसका, बी लिंच सूचर, ठीक है। ये पूछा रहता है एग्जाम में कि कौन सी कंडीशन में लगाया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में। तो ये कुछ कंडीशंस होती है पोस्टपार्टम हेमरेज की, कैसे हमें मैनेज करना है, क्या क्या यहाँ पे होता है, ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर समझने का कोशिश किया, आराम से 4 to 5 घंटे का टॉपिक है, आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से विद क्वेश्चंस पढ़ाया जाए तो, बट एग्जाम में इससे बाहर जो है जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए लेडी विद इनफर्टिलिटी अंडरगोज ए लेप्रोस्कोपी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ पेल्विक एनाटॉमी फॉर ट्यूबल पेटेंसी। एक लेडी है जिसको क्या है इनफर्टिलिटी है, वो भी क्या करवा रही है, लेप्रोस्कोपी करवा रही है। पर्पज क्या है उसका, कि वो पेल्विक एनाटॉमी करवा सके, ठीक है, असेसमेंट करवा सके पेल्विक एनाटॉमी का, किस लिए, ताकि वो जो फिलोपियन ट्यूब है उसकी पेटेंसी को चेक करवाना चाहती है। एक क्रोमोट्यूबेशन इन्वॉल्व्स, एक प्रोसीजर यहाँ पे क्या किया गया है, क्रोमोट्यूबेशन यहाँ पे कुछ प्रोसीजर यहाँ पे किया जा रहा है, इन्वॉल्व्स पुशिंग डाइज फॉर्म ए कैनुला इन द सर्विक्स। इसमें क्या करते हैं, हम एक डाई को क्या करते हैं, पुश करते हैं कैनुला से इसमें सर्विक्स में, विच इज ऑब्जर्व टू कम आउट फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब। अब ये क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, कि जो डाई है वो फिलोपियन ट्यूब से क्या हो रही है, कम आउट हो रही है,
दिस क्रोमोट्यूबेशन इज यूजली डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो क्रोमोट्यूबेशन जो प्रोसीजर है ये कौन सी इसकी मदद से जो है यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। दिस क्रोमोट्यूबेशन इज यूजली डन यूजिंग, ठीक है, किसकी मदद से ये कम्प्लीटली किया जा रहा है। सेलाइन के साथ में करते हैं इसको, मेथालिन ब्लू डाई के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, या फिर जेंसन वॉयलेट के साथ करते हैं। तो देखिए जो ये कंडीशन है क्या, क्रोमोट्यूबेशन, सो इससे क्या पूछ सकते हैं आपको, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, किसके लिए काम में किया जा रहा है, फॉर मेथड फॉर इवैल्यूएशन मेथड फॉर इवैल्यूएशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी इन इनफर्टिलिटी। अगर किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी है किसकी वजह से, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड ट्यूब। अगर किसी फीमेल में ऑब्स्ट्रक्शन है ट्यूब के अंदर और वहां पर इनफर्टिलिटी हो रही है उसकी वजह से, तो उसके लिए हम जो टेस्ट काम में लेते हैं वो है क्रोमोट्यूबेशन, ठीक है। तो ये बेस्ट टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसको जो है यहाँ पे माना जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी थिंग के साथ में इसको यूज में लेते हैं, तो इसके लिए जो यूज में लेना है वो है मेथालिन ब्लू डाई। तो क्या काम में लिया जाएगा, तो इसको करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, मेथालिन ब्लू डाई का यूज में लेते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक और टेस्ट जो है एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, उसका क्या नाम है, रूबिन्स टेस्ट। इसी टेस्ट का दूसरा क्या नाम है, इनसफ्लेशन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं विद फ्रॉम द सर्विक्स टू द, ठीक है, फिर वो पेल्विक कैविटी या फिर पेल्विक यूट्राइन कैविटी में उसको हम यहाँ पे एयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर ये एयर क्या करती है, ट्यूब के पास में जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे डिवाइड होती है, ठीक है, ट्यूब के साथ में साइड में जाती है, ठीक है, फिर देखती है। फिर यहाँ से इसके लिए एमसीक्यू ये बनता है एग्जाम में, अगर यहाँ पे जो ईएसआईसी में नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपको नॉर्सेट में पूछ सकते हैं, इसका एक कैनोला दे देते हैं एग्जाम के अंदर, इसी से सिमिलर रूबिन्स कैनोला क्या होता है, एक बार आप सभी को इसकी इमेज देखनी है, ठीक है। तो अब ये टेस्ट में क्या करते हैं, अपन एयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट कॉमनली एयर काम में लेते हैं CO2, ठीक है। अब जब एयर यहाँ पे डालेंगे तो उससे क्या होगा, प्रेशर बिल्ड होगा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्यूब पेटेंट है तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो ट्यूब से जो प्रेशर निकला यहाँ से, ठीक है, वो आगे जाके फिलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट रहेगी तब तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अंदर ही, ठीक है, कैविटी में, बट अगर वो ट्यूब ओपन रहेगी तो ट्यूब के थ्रू फैल जाएगा पूरा प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या देखेंगे, जो है ट्यूब क्या है, पेटेंस है, पेटेंसी है ट्यूब की, तो इनसफ्लेशन टेस्ट भी हम यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, थर्ड वन जो टेस्ट होता है वो होता है स्टीरियो साल्पिंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये भी टेस्ट हम यहाँ पे पेटेंसी को असेस करने के लिए किया जाता है। कोई पैथोलॉजी है ट्यूब के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पैथोलॉजी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूटेराइन माल फॉर्मेशन हो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ, ड्यूरिंग रीसेसिटेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न का क्या कर रहे हैं, रीसेसिटेशन कर रहे हैं, द न्यूनेटोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश्ड एडिक्वेट वेंटिलेशन विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। जो न्यूनेटोलॉजिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं एडिक्वेट वेंटिलेशन को, किसके थ्रू, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। एंड नर्स क्या कर रही है, चेस्ट कंप्रेशन कर रही है फॉर ए हार्ट रेट अंडर 60 बीट पर मिनट से, आफ्टर 60 सेकेंड्स द हार्ट रेट हैज नॉट इंक्रीज। अब आफ्टर 60 सेकेंड्स यहाँ पे अभी भी देखा जा रहा है कि हार्ट रेट वो क्या है, यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इस कंडीशन में
मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एडमिनिस्टर करना है एपिनेफ्रिन को, डिसकंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, स्टार्ट डोपामाइन इन्फ्यूजन या फिर स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न। एडमिनिस्टर करना है एपिनेफ्रिन को, डिसकंटिन्यू करना है चेस्ट कंप्रेशन को, स्टार्ट डोपामाइन इन्फ्यूजन या फिर स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न। तो देखिए दो एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले इजी एमसीक्यू है, फर्स्ट वन एमसीक्यू बनता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया इन इन्फेंट और चाइल्ड। तो जब बच्चों में अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? आंसर क्या रहेगा? एपिनेफ्रिन। फर्स्ट वन एमसीक्यू ओके। सेकंड वन एमसीक्यू क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया इन एडल्ट। तो एडल्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना गया है? एट्रोपिन को। तो कभी नहीं भूलना है, इजी एमसीक्यू है, आते भी रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि कंडीशन क्या है, न्यूबॉर्न है मतलब बच्चा है, अभी छोटा बच्चा ही है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एपिनेफ्रिन। तो ऑप्शन में आपको एपिनेफ्रिन दिख रहा है आराम से, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, सीधा सा आंसर है। बस अगर आपको ये एमसीक्यू पता था कि ड्रग ऑफ चॉइस ब्रेडिकार्डिया में क्या होती है बच्चों में, तो आंसर क्या रहेगा? एपिनेफ्रिन। तो नेक्स्ट देखिए जो एपिनेफ्रिन है, एक तो उसका काम क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया में काम देते हैं इन्फेंट में। दूसरा ये जो है एपिनेफ्रिन यहाँ पे अगर एडल्ट में देना हो तो उसकी डोज क्या रहेगी, चिल्ड्रन में देना हो तो उसकी डोज क्या रहेगी, इन्फेंट में यहाँ पे डोज क्या रहेगी। इसके अलावा ये जो कंडीशन है एनाफाइलिटिक रिएक्शंस में भी इसकी डोज दी जाती है। तो एनाफाइलिटिक रिएक्शन में इसकी डोज जो हम यहाँ पे क्या देंगे इसकी डोज, तो आंसर रहेगा 0.5 to 1 ml, ठीक है। अब इसको जो है रूट क्या रहेगा, इसका सबक्यूटेनियस रूट रहेगा और इसका डायल्यूशन क्या रहेगा, 1:1000। ये कब की बता रहा हूँ मैं, एनाफाइलिटिक रिएक्शन का बता रहा हूँ, ब्रेडिकार्डिया में नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब एनाफाइलिटिक रिएक्शन हो तो आपको क्या करना है, ये जो है डोज आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। और बच्चों में अगर आपको पूछे कि ब्रेडिकार्डिया के अंदर डोज क्या रहेगी, फिर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के अंदर इसकी डोज क्या रखेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, 0.01 to 0.03 mg/kg, ठीक है। ये यहाँ पे डोज रखेंगे, इसका डायल्यूशन हम कितना रखेंगे, यहाँ पे डायल्यूशन रखेंगे 1:10,000। ये क्या रखते हैं, इसका डायल्यूशन किसके अंदर, ब्रेडिकार्डिया के अंदर। और अगर यहाँ पे 0.01 to 0.03 mg/kg ऑप्शन में ना मिले आपको, तो ऑप्शन में ये मिलेगा आपको क्या, 0.1 ml to 0.3 ml/kg, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले, ठीक है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको जो है एवरी 3 to 5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, नेक्स्ट रिपीट करना है। तो ये जो कंडीशन आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है, और ये आपसे पूछ ले एडल्ट में कितना देना है, एडल्ट में ड्रग ऑफ चॉइस तो कौन है, एट्रोपिन, मगर एपिनेफ्रिन देना है एडल्ट में, तो डोज क्या रहेगी, एडल्ट में डोज रहती है 1 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट, ये रहती है एडल्ट में। और ये जो है दो स्पेशली यहाँ पे किस में रहेगी, चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे थोड़ा एट्रोपिन के बारे में। तो एट्रोपिन जो होता है कैसा फंक्शन रहता है इसका, इसका फंक्शन रहता है डायरेक्ट एंटी कोलिनर्जिक। तो कौन कौन सी कंडीशन में देंगे, एक कंडीशन होती है जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इस कंडीशन में देंगे। इसके अलावा कार्बामेट टॉक्सिसिटी, इसके अंदर भी इसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसकी डोज पूछी जाए
तो एडल्ट के अंदर डोज हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 0.5 mg IV, ठीक है, 0.5 mg हम इसको IV रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम डोज बता दीजिए एट्रोपिन की कितने देंगे, उससे ज़्यादा अगर नहीं हुआ काम तो नहीं देनी है, तो मैक्सिमम डोज कितनी रहती है इसकी, 3 mg तक। यही अगर आपसे पूछ लेता ये कि पीडिया में बताइए, तो पीडिया में डोज कितने देंगे हम इसको, 0.02 mg, 0.02 mg पर kg यहाँ पे डोज रखी जाएगी। और यहाँ पे मैक्सिमम डोज कितनी देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी डोज देंगे, 0.5 mg मैक्स रखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे पीडिया में, और एडल्ट के अंदर यहाँ पे एट्रोपिन और एपिनेफ्रिन। इसके अलावा लास्ट एक डोज और जो बार बार पूछ जाते हैं एग्जाम में, ये है एडिनोसिन। तो एडिनोसिन जो है कब काम में ली जाती है, तो प्राइमरी यूज इन द प्राइमरी यूज इन टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल नेरो कॉम्प्लेक्स सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो जब आपको पूछे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो आंसर आपका क्या रहना चाहिए, एडिनोसिन। यहाँ से एमसीक्यू बनता है, इसकी डोज से एमसीक्यू बनता है, इसके कैसा आपको डोज देना है इसे भी एमसीक्यू बनता है। तो देखिए फर्स्ट डोज जब सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आए, मतलब एक्सेसिवली यहाँ पे सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का आपकी रिदम देखने को मिले, तो आपको डोज क्या देनी है इसकी, फर्स्ट डोज दी जाती है वो है 6 mg, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 1-3 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, 1-3 सेकेंड्स के अंदर कम्प्लीटली आपको इसको डोज दे देनी है, ठीक है, स्लो बिल्कुल नहीं देंगे, सुपर फास्ट देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में, देने के बाद में आपको क्या करना है, फॉलोड बाई 20 ml NS बोलस, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कहाँ पहुंच जाए, हार्ट में पहुंच जाए, SVT को क्या कर दे, ट्रीट कर दे। ये तो होगी फर्स्ट डोज। अब अगर ये ट्रीट हुआ नहीं तो आपको सेकेंड डोज कितना देना है, ठीक है, फ्लो तो यही रहेगा 20 ml NS, ठीक है, बाकी का सब चीज़ यही रहेगी, बस एक डोज यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकेंड डोज कितना देना है, तो 12 mg, ये क्या रहेगी सेकेंड डोज, सेम इसको 1-3 सेकेंड में एकदम फ्लैश करना है, ठीक है, उसके बाद में 20 ml NS का वापस से बोनस देना है, ठीक है। तो ये होता है एडिनोसिन। ये थी किसके बारे में डोज बता रहा हूँ मैं आपको, एडल्ट के बारे में। अब अगर आपको ये पूछ ले भाई, ठीक है, एडल्ट के बारे में बता रहे हो, पीडिया के बारे में बता दो, तो पीडिया के अंदर ये डोज क्या देंगे, पीडिया के अंदर होगा ये 100 μg/kg, ये होगी इसकी फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज कितनी होगी, 200 μg/kg, ये रहती है फर्स्ट और सेकेंड डोज के अंदर, ठीक है। इनको भी क्या करना है, फास्ट हमें क्या करना है, बोलस आपको देना है। नेक्स्ट MCQ, तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए हो कि यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्टर करना है एपिनेफ्रिन को। कहाँ से रिलीज होता है सब कुछ पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा रहता है एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन फंक्शन क्या है इनके, फ्लाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट MCQ और बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, RNCC की टीम की ओर से आप सभी को क्या दी जा रही है, यहाँ पे ESIC एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन रहेंगे ऑल टॉपिक्स के ऊपर, जो यहाँ पे टॉपिक्स एग्जाम ने एग्जाम के सिलेबस में आपको बताए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसका नाम क्या है, ESIC एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो इसके लिए आप हमारे सपोर्टिव कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको 24/7 आप कभी भी आराम से जब भी आपको टाइम मिले मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नंबर क्या है, 9588-56774 पे आपको जो है आंसर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक और हमारी एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है RNCC की ओर से ESIC के लिए। इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू डेट्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसके
जिसमें से 97 आपको क्या मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट पेपर रहने वाले हैं, जिसमें 3 प्रीवियर ईयर टेस्ट मिलेंगे आपको, एसएससी ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस सीरीज रहेगी, जो भी एग्जाम में आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, हाई ईल्ड एमसीक्यूज रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनका चांसेस जो एग्जाम के अंदर आने का, डेली 1 लाइव टेस्ट रहेगा, मल्टीपल आंसरिंग अटेम्प्ट्स कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार अगर आप लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, जिसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसको नहीं दे पाओगे, मल्टीपल टाइम्स तक आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खूब सारे बच्चों ने एनरोल किया है तो आपको एक आपकी रैंकिंग के बारे में पता लग गया कि हाँ जो है इतने बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, रैंकिंग से सेल्फ एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू के बाद में। इसके अलावा 67 इसमें क्या रहेगा, टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे, जो ये इस प्रकार से यहाँ पे टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट्स, ठीक है। 30 प्री एसएससी एग्जाम टेस्ट रहेंगे, ठीक है, मेगा टेस्ट रहेंगे, ठीक है, 30 प्री एसएससी एग्जाम मेगा टेस्ट रहेंगे, और ये जो है इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहने वाला है, सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, आप इन पे आगे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू बॉर्न हु इज एट रिस्क फॉर नियोनेटल एस्पाइक्सिया। एक नर्स क्या कर रही है, एक केयर कर रही है न्यू बॉर्न की, अभी रिस्क क्या है उसको, न्यूनेटल एस्पैक्जिया की रिस्क है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट न्यूनेटल एस्पैक्जिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इंटरवेंशन रहेगा जिसको नर्स क्या करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी प्रिवेंट करने के लिए क्या, न्यूनेटल एस्पैक्जिया को। एडमिनिस्ट्रिंग प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक टू द मदर ड्यूरिंग लेबर, कीपिंग द न्यू बॉर्न इन ए वार्म एनवायरमेंट, एडमिनिस्ट्रिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन टू द न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, डिलेइंग द क्लैंपिंग of the umbilical cord for at least 30 seconds. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो देखिए एस्पैक्सिया का मतलब क्या हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न है विच इज डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये न्यू बॉर्न को क्या हो रहा है, इनफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिल रही है, जिस कंडीशन के वो क्या किस में जाएगा, डिस्ट्रेस में जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं न्यूनेटल एस्पैक्सिया, ठीक है। छोटा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया। अब इस एस्पैक्सिया का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपगार स्कोर करते हैं, ठीक है, अपगार स्कोर क्यों करते हैं, ठीक है, जनरली हम एस्पैक्सिया का भी पता लगा सकते हैं उसके अंदर। तो कंडीशन होती है, अगर स्कोर मिले आपको 0 से 3 अपगार स्कोर का, तो ये कंडीशन क्या होती है, सीवियर बर्थ एस्पैक्सिया। अगर कंडीशन मिलती है आपको 4 to 7, ये क्या होती है, मॉडरेट। और अगर यहाँ पे 7 से ज़्यादा मिले आपको, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे बच्चा कैसा है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो एस्पैक्सिया का पता किससे लगता है, अपगार स्कोर से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि नर्स प्रायोरिटाइज क्या करेगी, ऐसे कौन सी प्रायोरिटी एक्शन करेगी जो प्रिवेंट करेगा नॉर्मल एस्पैक्सिया से। तो देखो एस्पैक्सिया कब हो सकता है, एस्पैक्सिया कब हो सकता है, एक तो देखो आपको बिफोर बर्थ हो सकता है, एक ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस जो होती है उसमें हो सकता है, आफ्टर बर्थ हो सकता है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में एस्पैक्सिया हो सकता है, मतलब मेन कोज क्या है कि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा है बच्चे को। इसमें आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, डिले करना है क्लैंपिंग को अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड रहेगा वो वापस से नियोनेट के अंदर आ जाएगा, जिससे जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है अच्छी होने में मदद मिलेगी। तो ये क्या हेल्प करेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट ट्रांसफर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द न्यूबॉर्न। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे इस कंडीशन में, इससे क्या रिड्यूस होगा क्या रिस्क, इसकी रिस्क रिड्यूस होगी, एस्पैक्सिया की रिस्क यहाँ पे रिड्यूस रहेगी। बाकी के जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1, B and C, तीनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है इस कंडीशन में। बेस्ट अपना आंसर क्या, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऑप्शन नंबर D को।
तो एंटीबायोटिक तो क्या करेगा, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। दूसरा वार्म इन्वायरमेंट रखेंगे वो जो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हाई फ्लो ऑक्सीजन की यहाँ पे नीड नहीं रहेगी, ठीक है। अगर एक बार एक्सपेक्जिया होना स्टार्ट हो गया तो बच्चे में अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे वो इसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। बेस्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने। ए बेबी बॉय वॉज जस्ट बॉर्न टू ए मदर हु हैड पॉजिटिव वेजाइनल कल्चर फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। एक बेबी जो है बॉर्न हुआ है, उसकी मदर को क्या है वेजाइनल कल्चर, वहाँ पे क्या आया पॉजिटिव आया, किसके लिए, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। द मदर वॉज एडमिटेड टू द लेबर रूम फॉर 30 मिनट्स बिफोर द बर्थ। अब जो मदर है वो जस्ट 30 मिनट पहले यहाँ पे लेबर रूम में एडमिट हुई है बिफोर बर्थ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्सरी नर्स क्लोजली ऑब्जर्व दिस बेबी। अब ये जो बेबी है इसको किस कंडीशन के लिए नर्स जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेगी, ग्रंटिंग के लिए, एक्रोसाइनोसिस के लिए, स्यूडो स्टारबिज्म के लिए, या फिर हाइड्रोसिल के लिए। तो देखिए ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो न्यू बॉर्न में इन्फेंट में जो है सिम्टम क्रिएट करेगा, तो कौन से सिम्टम को यहाँ पे नर्स को क्या करना होगा, क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। ग्रंटिंग सिम्टम को, एक्रोसाइनोसिस को, स्यूडो स्टारबिज्म को, या फिर हाइड्रोसिल को। तो देखिए जब कंडीशन यहाँ पे बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बताया हुआ है और इसका जो इन्फेक्शन होता है नियोनेट के अंदर, तो ये क्या क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मोस्ट कॉमनली क्रिएट करता है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा, ओके, और एक्सेसिव क्राई करेगा बच्चा, पुअर फीडिंग करेगा, ठीक है, और जो टेम्परेचर में इंस्टेबिलिटी मिलेगी बच्चे के अंदर। तो इसके अलावा एक और साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या, ग्रंटिंग। तो साथ में क्या होगा, ग्रंटिंग साउंड आ रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में, ये यहाँ पे नर्स क्या करेगी इसके लिए क्लोजली मॉनिटर करेगी, ठीक है। बाकी एक्रोसाइनोसिस, स्यूडो स्टारबिज में और हाइड्रोसिल जो है यहाँ पे बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई से नहीं होता है, और एक्रोसाइनोसिस हो सकता है मगर उससे भी प्रायोरिटी क्या है, ग्रंटिंग साउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स एम्प्लॉयड इन ए नियोनेटल इंटेंसिव केयर नर्सरी, ठीक है, नर्स की ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर नर्सरी के अंदर, रिसीव्स ए टेलीफोन कॉल फॉर द डिलीवरी रूम, ठीक है। डिलीवरी रूम से क्या आ रहा है, फ्रॉम द डिलीवरी रूम से क्या आ रहा है, एक टेलीफोन कॉल आ रहा है और वो बता रहा है दैट न्यू बॉर्न विथ स्पाइना बाइफिडा विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द नर्सरी। एक न्यू बॉर्न है जिसे क्या है, स्पाइना बाइफिडा है, जो कि क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है कहाँ पर, नर्सरी डिपार्टमेंट में। द नर्स प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ द न्यू बॉर्न, अभी यहाँ पे नर्स क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है न्यू बॉर्न के अराइवल के लिए, एंड प्लेस विच प्रायोरिटी आइटम एट द न्यू बॉर्न्स बेड साइड। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है। तो कौन से प्रायोरिटी आइटम को यहाँ पे जो है न्यू बॉर्न्स के बेड साइड पे क्या करेगी, जो नर्स है वो प्रिपेयर करेगी, रेक्टल थर्मोमीटर को, ब्लड प्रेशर कफ को, ए स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिनोमीटर को, या फिर ए बॉटल ऑफ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। क्या आंसर रहेगा इससे यहाँ पे, प्रायोरिटी आइटम ऐसा कौन सा प्रायोरिटी आइटम है जो न्यूबॉर्न की बेड साइड पे नर्स जो है प्रिपेयर करेगी। तो देखिए कंडीशन क्या है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो बच्चे के अंदर क्या होती है, न्यूरल ट्यूब जो है
वो क्लोज नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइना बाइफिडा माइलो मेनिंजोसिल जो टाइप है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए जो है नर्स को यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए इसको क्या करना होगा, न्यूरल ट्यूब जब ओपन रहेगी क्लोज नहीं रहेगी तो बन गया क्या, स्पाइना बाइफिडा। अब इसको क्या करना होगा, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होगा बिल्कुल। अब इन्फेक्शन से यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगी नर्स को क्या करना होगा, ड्रेसिंग इसके ऊपर। अब ड्रेसिंग किसकी करेगी नर्स, तो आंसर क्या रहेगा, नॉर्मल सेलाइन की। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ए बोतल ऑफ स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन वहाँ पे पहले से क्या करके रखेगी, प्रिपेयर करके रखेगी। तो एक तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, बाकी नर्व और मसल्स के फंक्शंस भी नॉर्मल सेलाइन की ड्रेसिंग से मेंटेन रहेंगे, क्यों नॉर्मल सेलाइन है वो, ठीक है डिस्टिल वाटर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या रहेगा, नॉर्मल सेलाइन। एक तो ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, मॉइस्चर जो है वो यहाँ पे मेंटेन करके रखेगी, ठीक है फंक्शंस जो है इनके प्रिवेंट करेगी, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगी। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे नर्स को पता होनी चाहिए, तभी जो है वो यहाँ पे स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन को प्रिपेयर रखें। बाकी रेक्टल थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर कर्व, यूरिनोमीटर, इनके यहाँ पे नीड नहीं है। प्रायोरिटी पूछा है आपसे, बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, ए नर्स परफॉर्मिंग एन इनिशियल न्यू बॉर्न असेसमेंट आफ्टर बर्थ ऑब्जर्व। नर्स क्या कर रही है, एक बेबी के बर्थ के बाद में यहाँ पे एक यहाँ पे इनिशियल न्यू बॉर्न असेसमेंट यहाँ पे कर रही है। ऑब्जर्व वो क्या कर रही है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड एंड फीट। उसने ऑब्जर्व किया क्या, ब्लूइश डिस्कलरेशन किसके, हैंड एंड फीट के। द ट्रंक हैज़ पिंक पेलर, पिंक कलर की यहाँ पे ट्रंक हो चुकी है। वॉट इज़ द नर्सेज इनिशियल एक्शन, अब यहाँ पे नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, अप्लाई ऑक्सीजन एंड काउंट रेस्पिरेशन, असेस हार्ट साउंड फॉर ए मर्मर, ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग, या फिर प्लेस इन्फेंट स्किन टू स्किन विथ मदर। वॉट इज द नर्सेज इनिशियल एक्शन, नर्स परफॉर्मिंग एन इनिशियल न्यू बॉर्न असेसमेंट। ठीक है, न्यू बॉर्न जब बर्थ होता है तो उसके सबसे पहले जो असेसमेंट होते हैं उसको जो यहाँ पे नर्स असेस कर रही है, नर्स ने क्या देखा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड एंड फीट। तो यहाँ पे पिंक कलर है यहाँ पे, ठीक है ट्रंक कैसी है, पिंक कलर की है, बट हैंड एंड फीट कैसे हैं, अभी ब्लूइश डिस्कलरेशन है, ध्यान में रखना इस बात को। उसके बाद पूछा आपका नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा, तो देखिए ये जो कंडीशन है इसके अंदर अपना बेस्ट आंसर जो क्या जाएगा, वो जाएगा प्लेस इन्फेंट स्किन टू स्किन विथ मदर। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखना है मदर को, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, इनिशियल न्यू बॉर्न एक्शन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल न्यू बॉर्न जब टाइम ड्यूरेशन रहता है तो ये जो कंडीशन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड एंड फीट, जबकि ट्रंक कैसी है, पिंक कलर है, मतलब यहाँ पे सेंट्रली तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, पेरीफेरली ऑक्सीजन का लेवल जो थोड़ा डाउन है, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, वो क्या करेगा, हीट लॉस से प्रिवेंट करना। ठीक है, हीट लॉस से प्रिवेंशन कैसे होगा कि बस कुछ नहीं करना है, मदर को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो सेंट्रल ट्रंक भी यहाँ पे साइनोसिस होती है तब अपना आंसर यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल ट्रंक भी अगर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता तो वो क्या होता है, साइनोसिस होता। ठीक है, तो वहां पर जो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई की नीड हो सकती है, पेशेंट को बच्चे को देनी है, देनी चाहिए, बट यहाँ पे सेंट्रली क्या है, साइनोसिस नहीं है, एकदम पिंक कलर है, बट डिस्टली यहाँ पे क्या है, थोड़ा ब्लड का यहाँ पे परफ्यूजन जो है वो थोड़ा यहाँ पे कम है। ठीक है, बट ये अर्ली स्टेज के अंदर जो है इसको क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, अर्ली स्टेज के अंदर मतलब इसको हमें नॉर्मल काउंट करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है जो आगे जाके फर्दर नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे अपना बेस्ट एंड प्रायोरिटी आंसर क्या रहता है, हीट लॉस प्रिवेंशन। तो हीट लॉस प्रिवेंशन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, प्लेस इन्फेंट स्किन टू स्किन विद मदर। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए एम सी क्यू पूछ रहा था है, और ये पूछा भी गया एम सी क्यू है, प्रीवियस ईयर एम सी क्यूज में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये पूछा आ चुका है, ये टॉपिक से एम सी क्यू पूछा चुका है, सेम एम सी क्यू नहीं था प्रीवियस ईयर, बट ये टॉपिक से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
नेक्स्ट एमसीक्यू। अब देखिए कुछ बच्चों में ऐसा डाउट होगा कि सर एक्रोसाइनोसिस के अंदर तो यहाँ पे बॉडी पेरिफेरली जो है ब्लू रहती है और सेंट्रली जो है पिंक रहती है, बिल्कुल रहती है एक्रोसाइनोसिस के अंदर। जबकि देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप अपगार स्कोर भी करते हो इस बच्चे का, तो इसमें क्या बताया है, अपगार स्कोर जब हम करते हैं तो उसके अंदर देखो क्या कंडीशन होती है, 0, 1 एंड 2 यहाँ पे हम अपगार स्कोर देते हैं। 0 में क्या होता है, कम्प्लीटली बॉडी क्या हो रही है, ब्लू हो रही है, मगर यहाँ पे देखो कम्प्लीटली तो है नहीं, तो कम्प्लीटली नहीं है मतलब बेबी अभी तक ठीक है। 1 होगा किसके अंदर, एक्रोसाइनोसिस के अंदर, ठीक है। और बाकी और अगर यहाँ पे बॉडी कम्प्लीटली पिंक होती तो हम क्या देते हैं, 2 दे देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए एक नंबर हमें मिला इसके अपीयरेंस से लेके, बाकी के हमें ऑप्शन में मिल गए सारे कितने, 2, 2, 2 एंड 2 हमें मिल गए बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से, ठीक है। तो कितना हो गया ये, ठीक है 9 हो गया। तो ये जो 9 है ये तो नॉर्मल कंडीशन में माना जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक और हमें 1 मिल गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये भी क्या है, बच्चे को कोई प्रकार का डिस्ट्रेस नहीं है। अपगार स्कोर नॉर्मल कितना होना चाहिए, मोर देन 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 to 10 में क्या होता है, बच्चा एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है। और 7 और 7 से कम आए तो उसके बाद में क्या करना है हमें, मॉडरेट डिस्टेंस में, मॉडरेट बस बर्थ एक्सपैक्जिया में जाता है। तो इसे हम यहाँ पे सिंगल, इसे हम यहाँ पे नॉर्मल मान सकते हैं अब जब तक, तब तक अगर कोई दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो बच्चे में, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम मतलब पल्स भी उसकी डिसबैलेंस हो रही है, तो ग्रीमेस उसमें डिसबैलेंस हो रहा है, तो एक्टिविटी स्लो है, ठीक है, रेस्पिरेशन वीक क्राई कर रहा है, तो तब हम उसको यहाँ पे कंसर्नफुल रखेंगे आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। जबकि यहाँ पे केवल एक्रोसाइनोसिस है तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मल कंसिडर करते हुए आंसर करेंगे, क्योंकि होता है बहुत से बच्चों में, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ज़्यादा सोच के आंसर को गलत मत करके आना एग्जाम के अंदर, चलिए, क्योंकि ट्रंक कैसा है, पिंक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इज गिविंग प्रेजेंटेशन ऑन ब्रेस्ट मिल्क, एक ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर जो है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर प्रेजेंटेशन दे रहा है टू द नर्सिंग इंटर्न स्टूडेंट। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क व्हाट इज द प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, एक स्टूडेंट जो पूछ रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इफेक्ट टू द इन्फेंट, ऐसा क्या यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है जो इन्फेंट में एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके आता है, IgG एंटीबॉडी, लाइसोजाइम, IgA एंटीबॉडीज और IgM एंटीबॉडीज। तो ये आज के सेशन का एकदम इजीएस्ट एमसीक्यू है। तो क्या प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, इजीएस्ट एमसीक्यू है, तो IgA एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट रहती है क्या ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए पर्सन विथ सीवियर ट्रॉमा टू द सर्वाइकल रीजन, एक पर्सन को क्या है सीवियर ट्रॉमा हुआ है सर्वाइकल रीजन में, हैज डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, अभी उसको क्या हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है। इफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सीवियर बिटवीन C3 एंड C4, अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीवियरली डैमेज हुआ है उसको कहाँ पे C3 एंड C4 में, वॉट इज द लाइकली आउटकम, अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली आउटकम क्या मिलने वाला है, द पर्सन विल बी एबल टू ब्रीथ, पर्सन जो है वो ब्रीथ करने में जो है एबल होगा, द पर्सन विल बी एबल टू ब्रीथ विद द इंटरकोस्टल मसल बट विल लॉस द यूज ऑफ डायफ्राम, पर्सन विल बी अनेबल टू ब्रीथ या फिर बोथ ए एंड बी, क्या आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू लिखूंगा मैं, अगर यहाँ पे C1 और C2 के अंदर किसी प्रकार की इंजरी होती है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट रेस्पिरेटरी फंक्शंस यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और पेशेंट जो है विदाउट असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब क्या हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन, वो सर्वाइव नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो ये इंजरी होती कब, अगर C1 C2 तक इंजरी होती तो। नेक्स्ट देखिए C3 C4 आपको यहाँ पे पूछा गया कि C3 C4 में इंजरी है, तो जो C3 है यहाँ पे सर्वड का मतलब क्या होना है, क्या होता है C3 और C4 के बीच में कट लगना, ठीक है। सर्वड का मतलब यहाँ पे क्या है C3 C4 के बीच में कट लगना, तब इस कट की वजह से C3 तो ठीक है, अब C4 से यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। तो जो C4 है ये किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है किसको, डायफ्राम को, ठीक है। तो डायफ्राम जो है यहाँ पे
डायफ्राम क्या करेगा, लॉस कर देगा अपने फंक्शंस को, ठीक है। जबकि C3 जो है आराम से फंक्शन करेगा। तो C1 C2 C3 के बाद में यहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है। बिटवीन बिटवीन है मतलब C3 एंड C4 के बिटवीन यहाँ पे क्या हुआ है, वो सीवर्ड हो चुका है। तो इसकी वजह से मतलब क्या होगा यहाँ पे, C3 ठीक है, C4 के बीच में यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो C4 किसको यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, डायफ्राम को। तो देखो क्या आएगा, द पर्सन इज विल बी एबल टू ब्रीथ, क्योंकि C2 यहाँ पे ठीक है, C1 ठीक है, C2 ठीक है। तो मतलब ब्रीथिंग में यहाँ पे उसको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, डिफिकल्टी होगी फॉर श्योर, बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उसको जो है असिस्टेंस का एट द टाइम नीड पड़े। आगे फर्दर नीड पड़ सकती है, बट एट द टाइम ठीक है। द पर्सन विल बी एबल टू ब्रीथ विद द इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब जबकि C4 जो क्या है, डायफ्राम को प्रॉब्लम पहुँचा रहा है, ठीक है। जबकि जो नेक्स्ट जो क्या है, C3 यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स को भी यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। तो C3 तो यहाँ पे ठीक है, विल बी एबल टू ब्रीथ विद द इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, बट इट विल लॉस द यूज ऑफ डायफ्राम, क्योंकि C4 में क्या हो चुकी है, बीच में क्या हो चुकी है, इंजरी हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो पर्सन जो है एबल टू ब्रीथ है, ब्रीथ किससे कर सकता है, वो इंटरकोस्टल मसल से कर सकता है, बट वो डायफ्राम जो है अभी उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और जो भी आज के सेशन के लिए न्यू यहाँ पे ऐड हुए अपने चैनल से, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, ऑल बटन पे क्लिक करना है, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, ये जो अपनी क्लासेस तो चल रही है एग्ज़ाम बेसिस के ऊपर, क्लासेस अपनी डेली रहती है, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो वो भी हम यहाँ पे टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्या यहाँ पे गाइडलाइन होती है एग्ज़ाम की, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो भी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब इज़ मस्ट। इसके अलावा क्लासेस के लिए आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है, कॉमेंट्स कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं क्लास को। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।